बेसिकली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, एनोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। क्या एनोड रे बीम ऑफ प्रोटॉन है लाइक कैथोड रे आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन? कैन वी से दैट कैथोड रे आर नो सर। ये क्या, हाउ डिड वी डिस्कवर दिस प्रोटॉन्स फ्रॉम कैथोड रे एनोड रे इफ दे आर नॉट द प्रोटॉन? कैसे हमने डिस्कवरी की होगी? Because they are getting attracted to negative side. Because they are positively charged particle, and this positively charged particle, their positive charge due to extra proton. हर किसी positive charge body में extra proton होते हैं. They are not proton. They are the combination of proton, neutron, electron, but they are somewhat extra proton. और वो जो extra positive charge की study से हमें पता लगा कि वो प्रोटॉन का चार्ज है और प्रोटॉन जैसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। क्लियर? चलो हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे चले आप। यस सर। यस सर। यस सर। सर जो गैस गैस होता है वो पॉजिटिव आयंस में कैसे कन्वर्ट होता है? ये गैस न्यूक्लियस और इसके सारे इलेक्ट्रॉन और ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये गैस था ग्लास ट्यूब में। कैथोड रेज अपना काफी स्पीड से आ रहा था, वैसे बता दूं उनका स्पीड होता है 10^6 मीटर पर सेकंड, मतलब 1000 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत फास्ट होता है। या तो इतना स्पीड से आ रहा था, गलती से इससे स्ट्राइक हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये बन गया पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगे। गॉट इट? यस सर। सर हमने एक पॉइंट में लिखा था ना कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास इज 1.76 × 10^11, पर अभी जो क्वेश्चन में हमने किया था उसमें 1/1871 आया था ना। बिकॉज़ दैट वाज रिलेटिव चार्ज बाय रिलेटिव मास, देयर इज नॉट एक्चुअल चार्ज बाय मास, हमें कंपेयर करना था इसलिए रिलेटिव चार्ज रिलेटिव मास को। इवन मैंने एग्जांपल भी तो दिया था मेरा, 80/50 इज मोर देन 70/50, 80 is greater than 70, hence 80 by 50 is also greater than 70 by 50. Yeah? Yes. Discovery of neutron. Dekho. James Chadwick. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने इन 1932 एंड ही वाज परफॉर्मिंग सम अदर एक्सपेरिमेंट, उसका अपना कुछ ही एक्सपेरिमेंट चल रहा था। सर नेम की स्पेलिंग बताओ ना एक बार। JAMES चैडविक लिख लिया यार, जो भी लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा स्पेलिंग नहीं पूछता। तो जेम्स चैडविक ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो अपना कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था। ही वाज बम्बार्डिंग बेरियम विद अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मींस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इन दोनों के न्यूक्लियस को बम्बार्ड कर रहा था, उसे कार्बन मिला। उसने क्या किया, यहाँ पर कार्बन का चार्ज देखा 6 यूनिट, इसका चार्ज 6 यूनिट, चलो मैच कर रहा है। देन ही काउंटेड दिस मास, 9 + 4 यूनिट 13, यहाँ पे 12 यूनिट मिल रहा था। तो उसने थोड़ा सा अगेन सोचा, रिएक्टेंट है 13 यूनिट मास, product has 12 unit mass. So where does this 1 unit mass will go? It definitely it is present somewhere in the system. कहीं बाहर तो जाएगा नहीं। फिर उसने उस पूरे कंटेनर को और अच्छे से कवर किया, उसकी और डिटेल में स्टडी की, फिर उसे पता चला यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा सब्सटेंस उसे मिल रहा था, which has zero charge in 1 unit mass. Clear? 6 + 0 = 4 + 2 12 + 1 = 13 9 + 4 = 13. तो अपना न्यूक्लियर रिएक्शन वो परफॉर्म कर रहा था, उसे बाय चांस न्यूट्रॉन मिल गया था अपने यहाँ। इज दैट ओके? यस यस सर। यस यस। किसी बुक में दूसरा रिएक्शन नहीं मिले तो कंफ्यूज मत होना, ये तो एक एग्जांपल लिया उसने से, दो तीन अलग अलग रिएक्शन करके इसे न्यूट्रॉन के डिस्कवर, मतलब न्यूट्रॉन को फाइंड आउट किया था, उसकी प्रॉपर्टी निकाली। तो रिएक्शन कुछ और भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ही लिखना है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, इससे ज्यादा कुछ काम का नहीं। सर एक डाउट है सर, ये जो थ्योरी है वो केमिस्ट्री में आती है पर उन्हें नोबेल प्राइज
फिजिक्स में मिला था। ऐसा किसने बोला कि ये थ्योरी केमिस्ट्री में आती, या ऐसा किसने बोला कि थ्योरी से केमिस्ट्री में ही आती? पता है जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड वी आर स्टडिंग दिस इन फिजिकल केमिस्ट्री। शायद मैंने डेवन पे बोला था, फिजिकल केमिस्ट्री इज समवॉट रिलेटेड टू फिजिक्स। बहुत सारे चैप्टर फिजिक्स के मिलते हैं। पर्सनली मैं बताऊं, मुझे जेई प्रिपरेशन के टाइम पे केमिस्ट्री ज्यादा पसंद नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें मतलब मगअप करने काइंड ऑफ थिंग थी, कुछ रट्टा मारना पड़ता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैंने ये सोच रखा था देवन से, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी कर लूं, क्योंकि मेरे दिमाग में था केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री होगी। बट जब मेरा रिजल्ट आया, रैंक आया, रैंक के अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट ऑप्शन मिल रहा था, उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन था केमिकल इंजीनियरिंग। मैंने थर्ड ईयर, मेरे सीनियर थे मेरे कोचिंग के ही, थर्ड ईयर आईआईटी बॉम्बे में था उस टाइम, मैंने उनसे बात की, उन्होंने वो खुद केमिकल इंजीनियरिंग में, तो उन्होंने बोला केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का कुछ नहीं होता है, इट इज मोर रिलेटेड टू अप्लाइड फिजिक्स, काफी कुछ फिजिक्स से रिलेटेड होता है। और मेरा फिजिक्स काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लव भी है होता था जेई की प्रिपरेशन में। तो फिर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया। नो डाउट केमिस्ट्री होता है, बट उतना ही केमिस्ट्री होता है जितना एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को होता है, जितना एक कंप्यूटर साइंस वाले को होता है। एक बेसिक कोर्स केमिस्ट्री का सबको होता है, उतना ही केमिस्ट्री, इसमें ज्यादा पार्ट फिजिक्स से रिलेटेड होता है, फिजिकल केमिस्ट्री बोल दूं या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। तो अगेन बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। मेरा स्कोर 37% पे ऑल इंडिया रैंक 1118 118, उस टाइम 3500 से हुआ करती थी आईआईटी। ओके क्या बोल रहा था, मैं भी भूल गया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज मास। सर वो टेबल पिछले इसमें दे दिया था। अरे वो दूसरा जे जे थॉमसन परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट ही गॉट टू नो अबाउट चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ही डिस्कवर्ड चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे चार्ज और मास अलग अलग नहीं मिले थे, चार्ज बाय मास मिला था ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जो ऑलरेडी हमने लिखा है कहीं पे, तो लास्ट लेक्चर में लिखा था ना, ये yes. कैथोड रेस की प्रॉपर्टी yes. में लिखा, इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेस बोथ आर सेम, कैथोड रेस आर नथिंग बट जस्ट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना लिख लो। सर ये जे थॉमसन वाला न्यूट्रॉन के अंदर लिखना है? नहीं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दिए ताकि हमें समझ में आ जाए हम नेक्स्ट स्टडी पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टी, चार्ज, मास, उनका कुछ रिलेशन देख। सर चार्ज बाय मास की जरूरत क्यों होती है? जरूरत नहीं थी, ये कैलकुलेट किया गया था। पता है हमें जरूरत होती है चार्ज की अलग और मास की अलग, बट जे.जे. थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कुछ मैथमेटिकली उनको रिलेट किया प्रॉपर्टीज को, देन ही गॉट चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे चार्ज और मास अलग अलग नहीं पता चला था उस टाइम पर। उसके कुछ सालों के बाद मिलिकन्स परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट एंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही गॉट टू नो अबाउट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यहां से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा था। इज दैट ओके सर? तो क्या yes, उसके वजह से ही बाद में मास हमें मिला था क्या इलेक्ट्रॉन का? yes, मतलब वो इक्वेट करके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे पता लगा, यहां पे चार्ज रखेंगे तो फिर मास पता लगा था। तो मिलिकन्स ने चार्ज भी बताया और फिर मिलिकन्स और जे.जे. थॉमसन का दोनों का मिला के हमने मास कैलकुलेट कर लिया। Thank you.
देखो कॉपी क्या है, क्या मैं एक्सप्लेन कर दूं उसे? सर सुनना, मिलिकन्स क्या एग्जैक्टली क्या थॉट प्रोसेसिंग था? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ही टुक सम ऑयल्स पार्टिकल, उनके ड्रॉप ड्रॉपलेट्स कुछ बनाए जिन पे चार्ज था, क्लियर? वो ड्रॉप किए, जब उन्होंने ड्रॉप किए लेट्स से उस पर कुछ नेगेटिव चार्ज था, नीचे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया ऊपर पॉजिटिव लगा दिया, इलेक्ट्रिकल बैलेंस लगा दिया, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव वो नीचे ड्रॉप हो रहे हैं, क्या नेगेटिव चार्ज? अगेन इस एक्सपेरिमेंट में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ये ऑयल ड्रॉप है, ऑयल के पार्टिकल्स है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, क्या नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस उस तरह से सेट किया गया सो दैट द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज मास इनटू ग्रेविटी mg एंड द रिपल्शन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकम्स बैलेंस्ड, और उस फोर्स को बैलेंस करकर सॉरी हमने mg को जो ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसे बैलेंस किया, एंड आफ्टर बैलेंसिंग दिस फोर्स हमने ये पता किया कि जो mg मास हमें उसका पता लग गया कितना है ऑयल ड्रॉप का, ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी उतना ही होगा, वो किसके कारण लग रहा है? चार्ज के कारण। किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो उस प्रोपोर्शनलिटी से हमने चार्ज को कैलकुलेट किया और ये पता किया टोटल चार्ज इज ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, ये कुछ वैल्यू था माइनस प्लस साइन कोई भी ले लो, प्लस माइनस साइन के साथ जो टोटल चार्ज आ रहा था हर ऑयल ड्रॉपलेट पे वो इसका है, तो 2 का मल्टीपल, 1 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल, 1000 का मल्टीपल, 1 मिलियन का मल्टीपल, बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल टाइम्स ऑफ दिस, मतलब दिस ऑयल ड्रॉप पर चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 का चार्ज, 3000 का चार्ज, 3 मिलियन का चार्ज, 3 बिलियन का चार्ज, बट वी कांट हैव चार्ज ऑफ 3.5 इलेक्ट्रॉन, 1.7 इलेक्ट्रॉन, 1000.3 इलेक्ट्रॉन्स, डेसिमल में कभी नहीं आ रहा था। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है, या तो वो होगा एक बॉडी के पास या वो नहीं होगा, उसको ब्रेक करके कोई नहीं रख सकता, समझ पा रहे हो? मैं तुमसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मार्कर है तुम्हारे, मेरे पास कितने मार्कर, कितने मार्कर है अभी? एक, वन, अभी दो, टू, टू, थ्री, 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 क्या ऐसा पॉसिबल है मेरे पास 2.5 मार्कर हो, 2.7 मार्कर हो? नो सर, या तो पूरा मार्कर है या पूरा नहीं है, या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है या कंप्लीट नहीं है, so it always have either the complete electron, it will not have electron, so this is the fundamental charge particle, charge of electron and proton, ye minimum charge hota hai jo kisi bhi body ke paas hota hai, negative the electronic charge, positive the extra protonic charge, yeah, so total charge is always whole number multiple of e, n is whole number, e is this value plus minus sign likha hai yahan par,
टोटल चार्ज इज ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल ऑफ स्मॉल चार्ज दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. इट मींस टोटल चार्ज इज क्वांटाइज्ड. द वर्ड क्वांटाइज्ड क्वांटाइजेशन मींस जहां भी कोई प्रॉपर्टी होल नंबर मल्टीपल होती है उसे क्वांटाइज बोलते हैं. आई एम गोइंग टू यूज दिस क्वांटाइजेशन वर्ड 3 टाइम्स इन दिस चैप्टर. क्वांटाइजेशन मींस होल नंबर मल्टीपल ऑफ समथिंग, उसका मतलब क्वांटाइज होता है. क्वांटाइज देखो, एक मार्कर, दो मार्कर, तीन मार्कर क्वांटाइज्ड है. आई कैन नॉट यू 1.1, 1.2, 1.3 मार्कर. तो क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, एक के बाद सीधा दो होगा, बीच में कुछ नहीं होगा. या तो चार्ज इतना होगा या सीधे 3.2 होगा, सीधे 4.8 होगा, 3.3, 3.4 नहीं होगा, 1.7 नहीं होगा. गॉट इट? सर. यस सर, मिलिकंस को कैसे पता चला कि ऑयल ड्रॉप में नेगेटिव चार्ज है? ये लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल. मिलिकंस क्या, मैं तू बता, यहाँ पे एक ऑयल है, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, वो बीच में रुक गया, तो तू क्या प्रेडिक्ट करेगा? इससे रिपेल होके रुका होगा ना. सर उसने तो इलेक्ट्रॉन का निकला था. नहीं आवाज आई. एक्सक्यूज मी सर. सर आपने लिखा है कि टोटल चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव इनटू एन इनटू ई. तो सर हमेशा नेगेटिव ही आएगा ना सर, अगर एन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो. देख, ये इलेक्ट्रॉन का नहीं, ई फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ई मतलब 1.6 10 टू द पावर माइनस 9. ठीक है, E का मीनिंग यहाँ पर, मतलब इस सेंस में मैंने लिखा है प्लस माइनस E इज दिस, अब प्लस माइनस कुछ भी ले. ठीक है सर, वो ऑयल ड्रॉप ऊपर भी अट्रैक्ट हो सकता था ना प्लस साइन के पास, हो सकता था, हुआ भी, बट हमने उसको ऐसे बैलेंस किया, इतना ही नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाया कि वो बैलेंस हो जाए. ऐसा नहीं था कि मैंने चलो लगाया और बैलेंस हो गया, मैंने उसको एडजस्ट किया ताकि वो बैलेंस हो बीच में. मैं ज्यादा लगा रहा हूँ ऊपर जा रहा है, कम लगा रहा हूँ नीचे आ रहा है, तो कहीं पे बीच में जाके ऐसा सेटल किया, तभी तो मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाऊंगा ना. राइट सर, पर इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या था? क्या मोटिव है बताओ, क्या रिजल्ट आया है इसका बताओ? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन मिलिकंस ने प्रोटॉन को कैसे कंक्लूड किया? नहीं आवाज है, एक बोलो कोई भी. सर 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 सुनाई दे रहे मुझे? सर मिलिकंस, सर मिलिकंस ने कैसे कंफर्म किया, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पे चार्ज कितना है? चार्ज नहीं था, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस था जो किसी बैटरी के थ्रू लगाया गया. दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. जो पॉइंट नोट करने लायक है वो ये है, मिलिकंस के एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज, टोटल चार्ज इज ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल. अब क्वेश्चन है इसमें कैसे बनेगा, एग्जाम्पल विच of them is not possible. मैं कुछ चार्ज लिखता हूं, तुम्हें बताना है कौन सा चार्ज किसी भी एक बॉडी पे पॉसिबल नहीं है. ए ऑप्शन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 3.2 Which of the following charge is not possible on a body? Option C. 3.4. D. C. D. 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 Option D. 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 Option D. 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 And B. C. D. D. B. C. D. 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 Possible. D. And C. गलत है सर. आपका मेन बोर्ड पे लिखा है. सर C. C.
बताओ कैलकुलेशन तुम करके बताओ क्यों डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं सर क्या नहीं एबीसी पॉसिबल है कैलकुलेशन करो बिना कैलकुलेशन के आंसर मत सर मैं बताऊं क्या क्यों नहीं कैलकुलेशन चाहिए मुझे एग्जैक्ट पर सर ये तो ऑब्वियस है ना टोटल चार्ज मैंने दे रखा है ई का वैल्यू तुम्हें पता है एन तुम्हें कैलकुलेट करना है हर केस में क्यू बाय ई से पहले एन कैलकुलेट करो हर ऑप्शन में मुझे एन के साथ आंसर चाहिए सी मीन्स कूलम इसका डाउट था अक्षय कदम का अक्षय सी स्टैंड्स फॉर कूलम यूनिट ऑफ चार्ज इज दैट ओके अक्षय यस सर सर क्यू मीन्स क्वांटाइज है क्या सर क्यू अपॉन यू क्यू मीन्स चार्ज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलो जहां तुमने टोटल चार्ज लिखा है ना वहां पे क्यू लिख दो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है सभी के एन कैलकुलेट किए अब किसी को लगता है कि सर ये वाला इनके साथ मैं पूरा सॉल्व करके बताया था कौन सा इनके लिए सॉल्व करना है सभी को 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड किया ये आ गया 2 ऊपर जाएगा प्लस 19 माइनस 18 प्लस 19 10 2 इंटू 10 20 ये आएगा 1.5 ऊपर जाएगा प्लस 1.5 इंटू 10 15 ये आएगा 3 ऊपर जाएगा माइनस 20 प्लस 19 तो माइनस 1 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 पॉइंट एक सर माइनस 20 की जगह अगर 17 होता तो किस जगह कौन सा ऑप्शन में डी ऑप्शन में तो फिर वो फ्रैक्शनल नहीं आता मतलब 20 की जगह 17 होता तो 300 आ जाता उस केस में एक भी ऑप्शन एक भी आंसर नहीं अभी क्लियर है क्वेश्चन यस सर यस सर यस यस सर अर्जी सर का मैसेज है डू वी हैव टू राइट दिस यस यदि मैं कोई भी क्वेश्चन क्लास में दे रहा हूं तो मैं वो क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में लेक्चर नोट्स में लिखना है ताकि जब तुम पढ़ोगे तुम्हें पता तो लगेगा ना हाँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था तो लिखना होता है वैसे ठीक है चाहे गलत तुम उसका सॉल्व भी करो लेक्चर नोट्स गलत तो कोई प्रॉब्लम नहीं कट करो सही लिखो फिर मतलब कट पिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है बस हमें लेक्चर नोट्स ऐसे बनाने हैं हमें एग्जैक्टली पता लगे हमने क्या सही किया क्या गलत किया और क्या पढ़ा क्या पढ़ाया गया है मैटर बहुत ज्यादा करता है चले हम आगे सर डी का रीजन क्या होगा फ्रैक्शनल एन एन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल 0.3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0.3 कहां से लाऊंगा मैं तो हमेशा 1 2 3 4 होने चाहिए आई कैन नॉट डिवाइड द इलेक्ट्रॉन गॉट इट सर अगर n माइनस में होता तो चलो क्या सर अगर n माइनस में आता तो चलता क्या n माइनस में आता ही नहीं यानी माइनस में n आता मतलब नेगेटिव चार्ज है तो उसको माइनस 1.6 से डिवाइड करते नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव का प्लस 1.6 ठीक है सर वन से ज्यादा होनी चाहिए ना वैल्यू सॉरी वैल्यू वन से ज्यादा होनी चाहिए वन भी चलेगा ना एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का चार्ज भी चल सकता है वन भी वन इज आल्सो ओके सर मतलब अगर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए बस सर अगर माइनस में होगा तो माइनस 1.6 से करेंगे और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव 1.6 से करेंगे डिवाइड यस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से और पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन के चार्ज
अच्छा इसके बाद जो हेडिंग आती है ना वो टेबल जो ऑलरेडी आईटीसी में किया है मैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज रिलेटिव चार्ज मास रिलेटिव मास, क्या वो टेबल सभी के लेक्चर नोट्स में है? यस सर। यस सर। सर कैन यू रिपीट, क्या ये वाला टेबल जो हमने ऑलरेडी बनाया था आईटीसी में बनाने की जरूरत तो नहीं है वापस से, चार्ज रिलेटिव चार्ज मास रिलेटिव मास का बनाया था सर, उसमें अल्फा पार्टिकल और बीटा का नहीं था? तो मैं क्या कर रहा हूँ बोर्ड पे वही तो कर रहा हूँ, दो बार प्लस है ना सर, एक से ऊपर दो बार। हिमांशु क्या कर रहे हो? सर ये थर्ड डेल्टा है क्या? गामा अल्फा बीटा गामा, सर टू पी प्लस वो क्या है बताओ क्या है? सर वो गामा है एंड टू न्यूट्रॉन। पी प्लस मतलब क्या है? जीरो मतलब क्या? अब तो तक तो मैंने किया है, आई थिंक आई हैव यूज्ड इट ऑलमोस्ट 8-9-10 टाइम्स। ई माइनस पी प्लस यस सर, अल्फा बीटा गामा जनरली वो टेबल के साथ में बनवा देता हूँ, आई डोंट नो कि कैसे वहां पर मिस हो गया। ठीक है एटॉमिक में आ गया हूँ, अल्फा पार्टिकल्स एजी प्लस प्लस, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, गामा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन एमिटेड बाय दिस लाइट ट्यूब लाइट ईएम रेडिएशन, जिनका ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है, ठीक है, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, उन्हें ईएम रेडिएशन कहा जाता है। सर यस सर, वो बीटा पार्टिकल में ब्रैकेट में आपने चार्ज इक्वल्स टू माइनस वन और मास इक्वल्स टू माइनस होना चाहिए ना, मास इक्वल टू माइनस वन अपॉन 1837। अरे मास नेगेटिव में कब से आ गया किसी का भी? मास नेगेटिव कब होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन का टेबल बनाया ना तुमने, उसमें ही सही तो लिखा है, चार्ज बाय मास थोड़ी हो तो सिर्फ मास है ना, 1 अपॉन 1837। सर मुझे एक डाउट है। हाँ सर, अगर गामा पार्टिकल्स अगर मतलब इतना फोर्स कर सकते हैं कि मतलब वो पेनिट्रेट कर सकते हैं चीजों में से, तो फिर उनका मास जीरो कैसे हो सकता है? जिस रूम में तो बैठा उस रूम में विंडो है, बोलना। Sir, can you repeat? Do you have a glass window in your room in which you are sitting right now? Yes, sir. अभी तो रात हो गई, but क्या morning में उसमें sunlight आती है बाहर से अंदर? Yes, sir. और तू सो रहा होता है, sunlight उस पे आई तो ऐसा लगता है कुछ mass गिर रहा है, कुछ particle गिर रहा है, या just radiations है without any mass? Yes, sir. Radiation करता है। तो विंडो को पेनेट्रेट किया ना, ग्लास को पेनेट्रेट किया, तो पेनेट्रेट होने के लिए मास होना इट इज नॉट कंपल्शन, और जबकि गामा रेडिएशन का तो पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, उनका मास सबसे कम है ही नहीं, कम क्या, तो पेनेट्रेशन सिर्फ मास का होता है ऐसा नहीं बोल सकते। यस सर, चलो यहां तक क्लियर है। गामा रेज
नियर टू स्पीड लाइट जा सकती है। अरे लाइट ही है वो, जा क्या सकती है, जब मैं बोल रहा हूँ कमिंग फ्रॉम द सन तो वही है ना, सन से जो भी रेडिएशन आ रही है ईएम रेडिएशन, लाइट रेडिएशन आ रही है ईएम रेडिएशन। थोड़ा सा मैं और डेप्थ में जाता हूँ, वैसे तो मुझे जाना ही काफी, सनलाइट में जितनी रेडिएशन होती है ना उसमें वन ऑफ द रेडिएशन इज गामा, वन ऑफ विजिबल, दो बोथ आर द एग्जांपल ऑफ ईएम रेडिएशन। गामा रेडिएशन हम देख नहीं सकते बट दे आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन, क्लियर। गामा रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, ये बहुत हाई एनर्जेटिक होती है, क्लियर। इवन हमारे बॉडी पर डायरेक्ट आए तो हमें भी डैमेज कर सकती है। उसके बाद आती है फिर अपना यूवी रेडिएशन, जिससे सैनिटाइजेशन किया जाता है, जिससे कोरोना वायरस मर जाता है, क्लियर। फिर आती विजिबल, विजिबल के बाद आती है इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड कम एनर्जेटिक होती है, जो मोबाइल से निकलती है, वो डैमेज करती है बट बहुत कम डैमेज करती है चीजों। उसके बाद आती है रेडियो वेव, जो बहुत मिनिमम एनर्जी की होती है, क्लियर। सो ये कुछ अलग नहीं है, ये लाइट की स्पीड से मूव कर सकती है। बेसिकली हमने लाइट देखा होता है तो वो वर्ड होता है। क्वेश्चन ये होना था गामा रेस क्या ईएम रेडिएशन की स्पीड से मूव कर सकती है, तो मेरा आंसर होता है ये ईएम रेडिएशन ही है, उसी का एक पार्ट। गॉट इट सर? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने लिखा है तो उसके अंदर वो म्यू म्यू नॉट का कुछ तो भी, मानस योर वॉइस इज क्वाइट ब्रेकिंग, आई एम नॉट एबल टू गेट योर वॉइस प्रॉपरली, सो यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। मानस आदित्य पाटिल का मैसेज था, सर रेस आर मेजर्ड इन क्वांटा। आदित्य क्वेश्चन ये होना चाहिए सर इन रेस की एनर्जी को क्वांटा में मेजर किया जाता है, तो मेरा आंसर होता है एनर्जी ट्रांसफर एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। गॉट इट आदित्य? यस सर। सर यस सर, अगर गामा पार्टिकल्स हमें कभी डैमेज कर सकती तो वो हमें डैमेज क्यों नहीं करती अगर आती तो? ओजोन लेयर सुना है? यस सर, प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से बस, और हम ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेयर के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये भी सुना होगा, डिप्लीट। यस वही नहीं करना है बस। एक्सक्यूज मी सर। यस सलीम, पहले सर जहां तक क्यों नहीं करता सर, वो थोड़ा नेटवर्क का मेरा इश्यू हो गया था, नेटवर्क का जो पैकेज था वो खत्म हो गया था, तो इसीलिए। बोलो सर। सर एक डाउट है, मैंने जहाँ तक पढ़ा था तो सन के जो रेडिएशंस होते हैं उसमें मैक्स टू मैक्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, मतलब जो गामा रेडिएशंस जिनको हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनमें से ही निकल सकते हैं, तो सन से वो नहीं आएंगी कुछ भी हो तो भी। नहीं, सन से अर्थ तक नहीं आ रहे, दैट इज ओके, अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच रहे, दैट इज ओके, बट सन से एमिट नहीं हो रहे, दैट इज नॉट ओके। और वैसे तुम्हें बता दो, तुमने जो बोला है ना कि वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में एमिट हो सकते हैं, मुझे बताओ सन में कौन सा रिएक्शन? तो सन से सारी रेडिएशन एमिट होती है, क्लियर। हम तक पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रही, वो एक बात की बात, क्लियर। यस सर। सर लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है, मतलब वो पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करता है, तो उसे मास क्यों नहीं है? किसने पढ़ाया पवन ऐसा? मैंने तो नहीं पढ़ाया अब तक, मतलब पढ़ाने वालों में नेक्स्ट क्लास से पूछ रहा हूं सर, मतलब मालूम है सर। तो मुझे पढ़ाने दे तो मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा। क्या होता है, ड्यूअल नेचर इज ओके बट एट अ टाइम वी यूज ओनली वन ऑफ द नेचर, वी डोंट यूज बोथ द नेचर एट अ टाइम, वी हैव टू एक्सप्लेन सम काइंड ऑफ फिनोमेना, सो फॉर एनी गिवन फिनोमेना वी हैव टू यूज वन। अब क्वेश्चन आया, जब वो पार्टिकल होते तो मास क्यों नहीं होता है, ये इक्वेशन कहीं देखिए। Yes, एनर्जी फोटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास यूजिंग दिस इक्वेशन, तो एनर्जी फोटोन को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है इस इक्वेशन से, तो वो जो पार्टिकल्स हैं
या तो वो एनर्जी है या वो मास है, दोनों एक साथ नहीं, तो मास में ही कन्वर्ट करेंगे तो किया जा सकता है। सर म्यू नॉट आई कह रहे थे सर, म्यू नॉट आई। यार मानस नहीं आ रही तुम्हारी आवाज, ब्रेक हो रही है। किसी किसी के कुछ मैसेज है, ओम का मैसेज है फोटोन पार्टिकल प्रेजेंट इन सनलाइट है मास। इस पॉइंट पे मैं आऊंगा, हमें फोटोन बहुत डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में, फोटोन क्वांटा क्वांटम सब कुछ पढ़ना है ना, तो वेट फॉर देट ओम। नितिन का मैसेज सर हमारी 10th एग्जाम होने वाली है क्या, आई डोंट नो, मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, मुझे नहीं पता सर 10th का एग्जाम होगा नहीं होगा क्या होगा इस कोविड सिचुएशन में। मुझे ये पता है कि मैं पिछले 20 दिन से घर पे बैठा हूँ और मैंने वेजिटेबल भी जाके नहीं खरीद किए, तो मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है और क्या होगा। सो 10th का क्या होगा, अनसर्टेनिटी, कुछ आएगा तो बताया जाएगा। Sir, you are not audible at all, Manas. Yes. So he is asking, you know what?